तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भुने हुए टमाटर और अंडी की लाजवाब चटनी। बड़े तो ठीक है, अगर आप बच्चों को एक बार खिला दोगे ना तो बार बार मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता ले लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है, और एक प्याज लिया है, और दो हरी मिर्ची ले लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसकी मात्रा बढ़ा या कम कर सकते हो। और यहाँ पे खूब लाल लाल टमाटर को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और हाँ, दो अंडे भी ले लिए हैं। पहले हमें क्या करना है, टमाटर के टुकड़े करने हैं। दोस्तों, टमाटर के अगर आप बड़े टुकड़े करेंगे तो वो गलने में थोड़ा सी समय ज़्यादा लग जाएगा, अगर आप छोटे टुकड़े करेंगे तो वो फौरन ही गल जाएंगे। जैसे ही हम नमक ऐड करेंगे वैसे ही स्लो स्लो गलते जाएंगे। तो इस तरह से आपको टमाटर को कट करना है। दोस्तों, आपने बहुत ही अलग अलग तरह की चटनी खाई होगी, लेकिन इस तरह के ये यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने कभी नहीं खाई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करोगे, और इसका जो टेस्ट है ना वो आप खाकर ही आप मुझे कमेंट्स करना, इसका टेस्ट मुझे ज़रूर बताना आप लोग को कैसा लगा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये जो काला वाला पार्ट है ना जो टमाटर के ऊपर है, तो इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको रहने दिए, वरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन हमें इस तरह से ही बहुत ही पसंद आता है। सारे घर वाले इसी तरह से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देख लीजिए, मैं इसके टुकड़े कर ली हूँ। तो अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ, जहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने तेल को ऐड कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी, ये बड़ा चम्मच का है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जीरा। जीरे से बहुत ही अच्छा तड़का आता है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाता है। दोस्तों, तो देखिए कड़ी पत्ता भी मैंने ऐड कर लिया है। अब हमें ऐड करना है हरी मिर्चें, और साथ में ही प्याज को भी ऐड करना है। बस इसको थोड़ा सी हल्का सी भूनना है, इसका ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, इसको हल्के हाथों से भून लेना है, देखिए इस तरह से। तो अब हमें इसमें ऐड करना है टमाटर। टमाटर जो हमने कट करके रखे थे ना, वही टमाटर हमें ऐड करना है। आप चाहो तो टमाटर को बिना रोस्ट किए भी इसी प्रोसेस से बना सकते हो। अगर आप रोस्ट करके बनाओगे ना तो इसका स्वाद जो है ना दुगना बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सी अलग हो जाता है क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि टमाटर को रोस्ट करना पड़ता है। तो टमाटर तो मैंने ऐड कर लिए है, चलिए अब सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए दोस्तों, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सी कश्मीरी लाल मिर्ची, ये एवरेस्ट की कसूरी लाल मिर्ची है, जो कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और दिखने में लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। अब टमाटर को गलाने की बारी आ गई है, तो नमक तो ज़रूरी है ना, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। हाथों से ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है, वो होता है ना एक अंदाज़ा, उससे बहुत ही बढ़िया। मैं कभी कभी इस तरह अपने किचन में भी कुकिंग कर लेती हूँ, हाथों से ही सब कुछ डाल देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। मैं आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं अपने किचन में करती हूँ कुकिंग। तो देखिए, ये टमाटर बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं एकदम, ये काला काला पार्ट्स भी इसमें ही सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही अच्छे से गल गया है, यानी हमारे टमाटर पक गए हैं। तो अब बारी है इसमें अंडे डालने की, तो एक अंडा मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, तो इसको तोड़ लेती हूँ। देखिए, मैं अंडे को इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो 2 अंडे को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे और मसाले ज़्यादा हो गए हैं तो मैं एक ही अंडे को ऐड कर रही हूँ, यानी कि प्याज और हमारी क्वांटिटी जो है टमाटर वगैरह की ज़्यादा हो गई थी, बड़े टमाटर लिए था मैंने इसलिए, और अंडे की मात्रा को मैंने कम कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करना है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है धनिया पत्ता से। तो आप क्या, अब ये तो गर्मा गर्म रेडी हो गया है, अब इसको बस सर्व कीजिए। रोटी, चपाती, नान, पराठा, जो भी मिल जाए बस शुरू हो जाइए दोस्तों।
तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।